रसूखदारों और पुलिस की अनदेखी से परेशान होकर नगर निगम के वेतन भोगी ने आत्महत्या कर ली, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की मांग की है। मृतक राजेंद्र चावरिया का सुसाइड नोट आत्महत्या के 3 दिन बाद सामने आया है। सुसाइड नोट में मृतक ने पुलिस आला अधिकारी पर मदद न करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि राजेंद्र चावरिया का अंसल अपार्टमेंट के लोगों से विवाद चल रहा था और श्यामला हिल्स में मृतक पर मारपीट और तोड़फोड़ का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद कोर्ट में चालान पेश होते ही दैनिक वेतन भोगी राजेंद्र चावरिया ने फांसी लगा ली थी। इधर इस मामले को लेकर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इसके लिए वे सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे। इसके साथ ही दिग्विजय ने मृतक के बेटे को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की है। उधर वाल्मीकि समाज ने इसके विरोध में प्रदर्शन करने की बात कही है। मुझे इस बात का दुख है कि राजेंद्र चावरिया, जो कि इस कॉलोनी में रहते हैं, उन्हें मजबूरी में आत्महत्या करनी पड़ी और वे अपने पीछे सुसाइड नोट भी छोड़ गए हैं। सरकार को तत्काल प्रकरण दर्ज करना चाहिए और जिन लोगों के नाम उसमें हैं उनके खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए। मैं पहले भी यहाँ पर आया था, झूठे प्रकरण इनके ऊपर बनाए गए, लेकिन इनकी एफआईआर पर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया। पूरे तरीके से प्रशासन और पुलिस एक तरफा जो कार्रवाई कर रही है उचित नहीं है। आखिर ये लोग मांग क्या कर रहे थे? इतना ही तो मांग कर रहे थे कि इनको जो सरकार ने पट्टे दिए हुए हैं उस कॉलोनी में आने जाने का रास्ता खुला रहे। ये कौन सा अनुचित मांग है? आखिर ये लोग कहाँ काम करते हैं? जो कॉलोनी में लोग रहते हैं उन्हीं की तो सेवा कर रहे हैं, ये कोई दुश्मन लोग हैं क्या? फिर इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। मैं इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, जिला प्रशासन से भी कहूंगा और जो इनका बेटा है चिराग चावरिया, उसे तत्काल नगर निगम में उसके पिता राजेंद्र चावरिया के स्थान पर नौकरी दी जाना चाहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।